हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। अभी तक आप सबको, ज़्यादातर बच्चों को पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई ने क्लास 11, क्लास 12 टर्म वाइज सिलेबस रिलीज कर दिया है। लेकिन अपन इससे एक स्टेप आगे चलते हैं यार, और ये देखते हैं कि ये जो टर्म वाइज सिलेबस हुआ है, टर्म वाइज आपके एग्जाम होने वाले हैं, इससे आपके जेई और नीट पर क्या फर्क पड़ेगा, अपन वो चीजें देखने वाले हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप भी जानते हो कि सीबीएसई ने एक सर्कुलम जारी किया है जिसमें उन्होंने टर्म वाइज सिलेबस को रिलीज कर दिया है। अगर मैं क्लास 11 केमिस्ट्री का अगर टर्म 1 का सिलेबस अगर बताता हूँ, तो टर्म 1 का जो सिलेबस है क्लास 11 में, वो है पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ये टोटल जो टर्म वन होने वाला है, ठीक है, थ्योरेटिकल जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 35 मार्क्स का होने वाला है। इसी के साथ आपके प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। प्रैक्टिकल में अगर बात करें तो आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइबा। आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 15 मार्क्स का रहने वाला है, और आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है लिखने वाला, वो 35 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का आपका टर्म वन बनाने वाला है। उसी तरीके से अगर आप टर्म टू को देखेंगे क्लास 11th में, तो आपके पास जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो हैं स्टेट ऑफ मैटर ऑफ गैस एंड लिक्विड्स, ठीक है, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन। ये आपके क्लास 11th का टर्म 2 का सिलेबस है। ये 35 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट बनाएगा, थ्योरी एग्जाम जो होने वाला है, साथ में इसके 15 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाले हैं, जिसमें आपका सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एंड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइबा 5 मार्क्स का होने वाला है। मतलब प्रैक्टिकल आपके 15 मार्क्स का और थ्योरी आपका 35 मार्क्स का, तो टर्म 2 भी आपके पास 50 मार्क्स बनाने वाला है। तो टर्म 1 का भी 50 मार्क्स है और टर्म 2 का भी 50 मार्क्स है, टोटल आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। जैसे आप जानते हो यार कि प्रैक्टिकल जो होते थे आपके वो 30 मार्क्स के होते थे, और आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता था वो 70 मार्क्स का होता था, तो वैसे ही हो रहा है, बस उसे दो बार कर दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पर, ठीक है। कई सारे आपको ऐसे चैप्टर्स भी देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर नहीं है यार, ठीक है, उन्हें हटा दिया गया है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको नहीं देखने को मिला है, ठीक है, मतलब वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है 2021-2022 के लिए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो सिलेबस है भाई, वो जेई नीट के लिए नहीं है। जेई नीट के लिए जो आपका पूरा सिलेबस है वही रहने वाला है यार, ठीक है, कोई टर्म में एग्जाम नहीं होने वाले, ठीक है, ये ध्यान रखें। टर्म टू की अगर बात करें, क्लास ट्वेल्थ की अगर टर्म वन की अगर बात करें, तो टर्म वन आपके पास दो ही एग्जाम होने वाले हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरी जो पार्ट है वो 35 मार्क्स का बनाने वाला है, प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का, तो टर्म वन भी आपके पास 50 मार्क्स का आने वाला है ट्वेल्थ में। थ्योरी में अगर चैप्टर की बात करूं, तो चैप्टर है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड बायो मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास टर्म वन थ्योरेटिकल जो एग्जाम होने वाला है उसका ये सिलेबस रहने वाला है। एक बात चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी यार यहाँ पर, कि उन्होंने पार्ट वन पार्ट टू से नहीं लिया, उन्होंने दोनों को मिक्स करते हुए सिलेबस बनाया है। कुछ चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हैं, कुछ चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हैं, और कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर लिए हैं। तो टर्म वन थ्योरेटिकल एग्जाम 35 मार्क्स का होने वाला है। इसी के साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइबा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल आपके पास 15 मार्क्स का और थ्योरी एग्जाम आपके पास 35 मार्क्स का होने वाला है। तो टर्म वन आपके पास 50 मार्क्स का आने वाला है क्लास 12th में। नेक्स्ट अगर बात करें अपन टर्म टू की क्लास 12th के लिए, तो यहाँ पर जो सिलेबस है आपके पास वो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस। ये आपके पास टर्म टू का सिलेबस है। टर्म टू का सिलेबस देखोगे आपके दिमाग में कुछ चमकना चाहिए, क्या क्या, कि पॉलीमर हटा दिया गया है, ठीक है, पॉलीमर हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। लेकिन वो जेई नीट के सिलेबस में और लगातार क्वेश्चन देखा है। अभी भी आपने अगर जुलाई अटेम्प्ट का पेपर देखा होगा, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक शिफ्ट में भाई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर से एक एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यार, ठीक है। ये आपके पास टर्म टू का थ्योरिट वाला
सेक्शन हुआ, इसमें ये चैप्टर्स रहने वाले हैं। प्रैक्टिकल में अगर बात करूं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा, ये आपके पास प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का। तो टर्म वन आपके पास 50 मार्क्स का है, जिसमें थ्योरी 35 मार्क्स और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का होने वाला है। उसी तरीके से आपका जो टर्म टू है वो भी 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। थ्योरी एग्जाम 35 मार्क्स और प्रैक्टिकल आपके पास 15 मार्क्स का, तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है। अब बात ये आती है कि भाई ये जो टर्म सिलेबस आया उस पर हमारे जेई नीट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसकी अपन बात यहाँ पर करने वाले हैं। देखो यार, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मजाक मजाक में जेई नीट का पेपर देते हैं, ठीक है। मजाक मजाक में मतलब बोर्ड तो दे ही रहे हैं, फॉर्म भर देते हैं, जेई नीट का पेपर भी दे देंगे, ठीक है। उनका कोई फोकस नहीं होता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई, ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फोकस नहीं होता है कि जेई नीट हमें क्रैक करना है। वो जस्ट मजे मजे में, ठीक है, फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम का जो कैंडिडेट रहे हैं उनका नंबर बढ़ा देते हैं यार। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा कम हो सकता है यार इस बार, क्योंकि जो बच्चे बोर्ड पर फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ बोर्ड पर ही फोकस करेंगे, ठीक है, जेईई या नीट पर फोकस नहीं करेंगे अब ज्यादातर बच्चे, क्योंकि सिलेबस यहां पर स्प्लिट हो चुका है। अब वो सिर्फ टर्म टू के सिलेबस पर ही लास्ट में फोकस करेंगे, और आप जानते हो कि लास्ट में आपका जेई नीट का एग्जाम होता है, तो यहां पर थोड़ा सा कंपटीशन कम तो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े से कम हो जाएंगे यार यहां पर, ठीक है। अब यहां पर डिसाइड ये है, देखो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे, मतलब जो बच्चे जेई नीट पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, ठीक है, उनका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मतलब यहां पर आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट के टर्म में आप बोल सकते हो कि यार थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन अच्छे कैंडिडेट्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छे कैंडिडेट बढ़ने वाले, मतलब कंपटीशन फाइनली आपके पास बढ़ने वाला है यार जेई नीट में, ठीक है। तो मेहनत पूरी करना, सिलेबस जेई नीट का सेम है भाई, कोई सिलेबस में जेई नीट वाले सिलेबस में कोई ज्यादा चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आए बेसिकली, ठीक है, तो सिलेबस वही है आपके पास, ठीक है। लेकिन जो आपके पास क्लास 11th जो है और क्लास 12th है उसके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उनके सिलेबस में जरूर चेंजेस आए हुए हैं यार, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।